बच्चों क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? बच्चों क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच रही है? जल्दी से कंफर्म करिए। बच्चों क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग सोनी देवी जी। जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव को शेयर कर दें, तेजी से। चलिए जल्दी से लाइव को शेयर मार दीजिए और सारे बच्चे तेजी से जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सभी बच्चे जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए और एक बार ज्वाइन कर जाइए। रेशमा वर्मा जी गुड इवनिंग, सोनाली साहू जी गुड आफ्टरनून चल रहा है सोनाली जी का भी। चलिए कोई नहीं, गुड आफ्टरनून मान लेते हैं। तो भाई सारे बच्चे जल्दी से लाइव को शेयर मार दे भाई, जल्दी से। रेशमा वर्मा जी यस सर। चलिए जल्दी से सभी बच्चे जो हैं वो लाइव को शेयर कर दे तेजी से भाई। सारे लुकमान जाफरी जी गुड इवनिंग। तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव को शेयर मार दीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों तेजी से इतना काम कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल मिक्स रीजनिंग क्वेश्चंस की क्लास नंबर 23, 23वीं क्लास जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव को शेयर कर दें तेजी से भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और लाइव को शेयर कर दें भाई। सभी बच्चे इतना कर दें फिर क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। अखिलेश कुमार जी गुड इवनिंग। तो भाई जल्दी से लाइव को शेयर मार दो तेजी से सारे बच्चे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। इतना काम तेजी से कर दीजिए भाई, सभी बच्चे लाइव को शेयर कर दो, फिर इसके बाद ही क्लास स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो है आप लाइव को शेयर कर दो भाई, सबसे पहला काम है कि आप लाइव को शेयर मार दो। सूरज कुमार जी गुड इवनिंग। तो भाई सारे बच्चे लाइव को शेयर कर दो, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। जब तक लाइव नहीं शेयर करोगे तब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगी भाई। तो लाइव को शेयर मार दो पहले तेजी से सभी बच्चे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर लो जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों सभी बच्चे जल्दी से लाइव को शेयर कर दो। लाइव को शेयर कर दो बच्चों तेजी से, एक बार लाइव को शेयर कर दो बच्चों तेजी से। जल्दी से लाइव को शेयर कर दो बच्चों तेजी से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों जल्दी से लाइव को शेयर कर दो बच्चों। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये वीडियो अनलिस्टेड करके चल रहा है, मतलब जो है पब्लिक नहीं है, अनु सिंह, तो सारे बच्चे इस वीडियो को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए पब्लिक हो चुका है, अब सारे बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है, अब चल जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए सही हो गया है, पहला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन इस समय फर्स्ट नंबर है बच्चों, कल का ये अंतिम क्वेश्चन था, परंतु ये क्वेश्चन जो था वो क्लास खत्म हो गई थी और शायद हमने कुछ इसमें मिस्टेक कर दी थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रखा है आपके सामने, जिससे कि इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सके। तो ये क्वेश्चन कल की क्लास का ही है, परंतु लास्ट में जब क्लास खत्म हो गई थी तो क्लास कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमने इस क्वेश्चन को फिर से एक बार अपने सामने आपके सामने लेकर के आए हैं और जल्दी से इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चों मतलब ये क्वेश्चन कल की क्लास का ही है, परंतु कल की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को जो था, रोहित चंद्र स्टॉप जो हैं गुड इवनिंग भाई, प्रियांशी साहु गुड इवनिंग, विवेक सिंह जी गुड इवनिंग, अनु सिंह जी गुड इवनिंग। वॉइस स्लो है सर, क्या वॉइस स्लो आ रही है बच्चों?
क्या वॉइस क्लियर नहीं है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या वॉइस स्लो है भाई। तेजी से एक बार सभी बच्चे लाइव को शेयर कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो इस समय आपके सामने है बच्चों, इस समय जो आपके सामने क्वेश्चन है ये कल की क्लास से ही क्वेश्चन है। आरती कुमारी जी गुड इवनिंग भाई। देखो लिखा हुआ है घंटे के हाथ और मिनट के बीच का कोण बताना था। देखो ये क्वेश्चन जब था कल तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी इस क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार लेकर के आपके सामने आए हैं। देखो बच्चों जब भी आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम लोगों को एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, कोण निकालना हो, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को याद रखना है कि घंटे वाली सुई जो है वो एक मिनट में जो कोण बनाती है वो आधा डिग्री का बनाती है, और मिनट वाली सुई जो है वो एक मिनट में जो कोण बनाती है बच्चों 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको इस दिए गए समय को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। सेम यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये घंटे में लिखा हुआ है और ये नंबर मिनट में लिखा हुआ है, तो पहला काम करना ये होता है कि इन दोनों को मिनट में और मिनट में लिखना होता है। तो अगर हम 5 को मिनट में लिखेंगे बच्चों तो 5 का मिनट रूप 25 होता है और यहाँ पर हम लोग 40 लिख देंगे भाई। 5 को जब मिनट वाली सुई 5 पर जाती है तो उस समय बच्चों हम लोग उसे 25 मिनट कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 25 मिनट लिख दिया है। इसके बाद इनके बीच का डिफरेंस निकाला जाता है बच्चों, जब हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 15 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा, माइनस का 15 मिनट, क्योंकि मिनट को मिनट से घटाया था। एक मिनट बराबर बच्चों 6 डिग्री होता है, तो 15 मिनट बराबर जो है बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 15 छक्का कितना हो जाएगा भाई, अगर आप देखोगे तो ये 5:40 था, ये 25 हो जाएगा और ये आप लोगों का हो जाएगा 40। डिफरेंस निकालेंगे, माइनस का 15 आएगा और 15 × 6 करेंगे, माइनस का 15 छक्का 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि घंटे वाली सुई एक मिनट में 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों इस 40 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 40 का हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे और आधा करके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो बच्चों 90 माइनस, माइनस का 90 और प्लस का 20, तो 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। 70 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आएगा, ए ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन जो था वो 5:40 था, इधर भी कर देते क्योंकि पीछे की तरफ मेरे दब रहा है वो क्वेश्चन, तो देखो ये हो जाएगा 25 और 40 दोनों को घटाएंगे, माइनस का 15 आएगा, माइनस का 90 होगा, 40 का आधा 20 होता है, तो भैया 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री बचेगा। तो भैया आंसर जो यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का वो 70 डिग्री निकल करके आएगा। बच्चों देखो ध्यान रखो 40 डिग्री जो है इसका आंसर नहीं था, 70 डिग्री था इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 70 डिग्री बन करके बच्चों आएगा। ठीक है, क्लियर है, आंसर कितना बनेगा, 70 डिग्री बन करके आएगा। बच्चों आंसर कितना बनेगा, 70 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है 3:10 और इस पर यदि हम लोगों को कोण निकालना हो, आपने माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि यहां पर ये माइनस था और ये प्लस था, और माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए 90 में से 20 घटेगा। जैसे मान लीजिए ये 3:10 है और इसको हम लोग जब मिनट और मिनट में बदलेंगे तो ये 15:10 हो जाएगा, और इसको जब आपस में घटाएंगे तो 5 होगा, 6 से गुणा करेंगे, 6×5=30 डिग्री होगा, और 10 का आधा करके यहाँ पर जोड़ेंगे तो बच्चों इस बार ये प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो जुड़ करके ये 35 डिग्री हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जब 3:10 क्वेश्चन होगा, 3:10 क्वेश्चन होगा, तो उस स्थिति में क्वेश्चन का आंसर 35 डिग्री निकल करके आएगा। सीधा फंडा क्या है इस क्वेश्चन में, सीधा फंडा क्वेश्चन में ये है कि भाई जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उस स्थिति में दोनों को पहले मिनट में और मिनट में लिखना होता है, तो 7 का मिनट रूप 35 होता है और ये हो गया 25,
फिर इन दोनों को आपस में आप घटा दीजिए तो 10 होगा, और 10 में 6 का गुणा कर दीजिए 60 होगा, और पीछे कुछ भी लिखा हो उसका आधा करके आपको जोड़ देना होगा। तो भैया 25 का आधा 12.5 होता है, तो 60 में से 12.5 को जब आप घटाओगे तो 47.5 डिग्री का कोण बनेगा, जब घड़ी में 7:25 हो रहा होगा। तो उसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन 5:40 था, इसको हमने 25 और 40 लिखा था, दोनों को घटाया तो माइनस का 15 आया, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाया जा रहा था। 6 से गुणा किया, माइनस का 90 डिग्री हो गया, और 40 का आधा बच्चों 20 होता है, तो 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि ए ऑप्शन में था। क्लियर है? चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देख रहे हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए बच्चों तेजी से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने, भाई 370 है, क्वेश्चन कहता है 7 और 13 के समान किस ऑप्शन में चल रहा है, पहले वाले ऑप्शन में चल रहा है, या दूसरे में चल रहा है, या तीसरे में चल रहा है, या फिर चौथे ऑप्शन में चल रहा है। चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है 7 और 13, ये 7 और 13 के समान किस ऑप्शन में चल रहा है, जैसा कि 7 और 13 का रिलेशन है। प्रियंका गुप्ता जी आपने कल पूछा था, दोबारा क्वेश्चन हमने फिर से बता दिया है, अब आपको क्लियर हो गया होगा वो क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या था कि भाई 7 और 13 के समान कौन सा नंबर है, तो बच्चों देखो 7 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, ये दोनों नंबर ही प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। उसी प्रकार से सी ऑप्शन में आप देखिए 23 और 31 दोनों ही जो हैं ये आपके प्राइम नंबर हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आप सभी बच्चों का सी ऑप्शन बनेगा। बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर था, प्रिया यादव जी गुड इवनिंग जी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो आप सभी लोगों का सी ऑप्शन बनकर के आएगा। क्लियर है बच्चों? यहां पर क्वेश्चन का आंसर जो था वो आपका सी ऑप्शन था। सॉरी किस बात के लिए आप बोल रही हैं, भाई आपने कल क्वेश्चन पूछा था और उस समय हमने लाइव को बंद कर दिया था, बट आपको हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, और कुछ बच्चों को क्योंकि वहां पर हमने शायद 5:30 लिख दिया था, ये भी हमने वहां पर एक मिस्टेक कर दी थी, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को बताया है। कोई बात नहीं, जब वीडियो ये ऑफलाइन हो जाएगा तो आप उस क्लास उस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा जाके, इसके तुरंत पहले ही हमने उसको डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 371 की तरफ। भाई टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। भाई ये देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 371 है आज की क्लास का बच्चों, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए 371वें क्वेश्चन का, और बताइए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भाई ये तीनों चीजें आपको करना बहुत जरूरी है, फर्स्ट टाइम लाइक, फिर शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर 6, 21, 3 क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों यहां पर अगर हम इस 6 और 21 को जोड़ देते हैं तो इस 6 और 21 का योगफल 27 होता है, जो कि 3 की घात 3 होता है, मतलब इनका योगफल जो है वो किसी नंबर का क्यूब है, इसका जो योगफल जो है वो किसी नंबर का क्यूब है। तो बच्चों 3 के साथ हम किस नंबर को जोड़ें कि वो भी किसी नंबर का क्यूब बन जाए, तो बच्चों वो नंबर है 61। 61 में 3 को जोड़ेंगे तो 64 होगा, और ये 64 जो है वो बच्चों 4 का क्यूब होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हम लोगों का सी ऑप्शन बन करके आएगा। बी अखिलेश कुमार जी, बी नहीं, सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन करके आएगा। भाई 6 और 21 को जब जोड़ा तो उसका योगफल 27 हुआ, और 27 जो था वो 3 की घात 3 था, तो 3 के साथ क्या जोड़ा जाए कि वो भी किसी नंबर का
क्यूब बन पाए। तो भैया तीन के साथ जब हम इस 61 को जोड़ेंगे तो 61 प्लस 3 64 होगा, और 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा। तो आज के चैलेंज क्वेश्चन के लिए आप सभी बच्चे रेडी रहिएगा, कुछ ही देर में आपको चैलेंज आज का मिलने वाला है। चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं 372वें क्वेश्चन पर। जिस प्रकार से हॉकी का संबंध इंडिया से है, उसी प्रकार से क्रिकेट का संबंध किस देश के साथ है? भाई यहां पर ऑप्शंस ए बी सी और डी दिया गया है, ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा कर लेगा। यहां पर अखिलेश कुमार जी कह रहे हैं पिछले क्वेश्चंस पर डिफरेंस का भी लॉजिक चल रहा था, तो भाई डिफरेंस का लॉजिक चल सकता है। आप 6 और 21 के बीच में 15 ले सकते हैं, 3 और 18 के बीच में भी 15 ले सकते हैं। आपका लॉजिक सही है अखिलेश कुमार जी, वो लॉजिक गलत नहीं था। बट जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था तो उन्होंने 61 नंबर आपको बताया था, मतलब सी ऑप्शन में जो 61 लिखा हुआ था वो सही था, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन्स होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों कई बच्चों ने आंसर दिए हैं इस क्वेश्चंस के, भाई डी ऑप्शंस बता रहे हैं इंग्लैंड, इट इज द राइट। क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का जो है नेशनल गेम है, इस प्रकार से हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम है, उसी प्रकार से क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड का है। साथ ही साथ बच्चों आप ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो है जो नेशनल गेम है वो भी क्रिकेट ही है, वहां पर भी नेशनल गेम में क्रिकेट को भी कहां पर रखा गया है, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है नेशनल गेम में क्रिकेट को भी रखा गया है। कभी कभी ऑप्शंस में इंग्लैंड की जगह पर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, तो इस बात का भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर इंग्लैंड ना दिया गया होता और केवल यहां पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया होता इंग्लैंड की जगह पर, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया वाले ऑप्शंस को सही मान सकते थे। चलिए बच्चों अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं 373वें क्वेश्चन की तरफ। भाई टाइमर स्टार्ट कर दिया है इस क्वेश्चन में, चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। भाई F और S जो है वो L और Y से रिलेटेड है, तो I और V किससे रिलेटेड होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। भाई एक के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने हम रख रहे हैं बच्चों, और सारे बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। भाई अगर लाइक और शेयर नहीं करोगे तो भाई क्लास में मजा नहीं आने वाला। तो बच्चों दबा करके लाइक करिए और दबा करके शेयर करिए। भाई क्वेश्चन नंबर जो इस समय है 373, देखो F का कोड 6 होता है और S का कोड 19 होता है, L का कोड 12 होता है और Y का कोड 25 होता है, I का कोड 9 होता है और V का कोड 22 होता है। बच्चों आप देखिए यहां पर भाई 6 से जो ये पहला वाला 12 दिया गया है इसमें 6 का डिफरेंस है। हम यहां पर इसको प्लस 6 ना कह करके हम ये कहेंगे कि फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट और फर्स्ट लेटर दिए गए हैं उनमें 6 का डिफरेंस चल रहा है। ये 6 है और ये 12 है, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से सेकेंड लेटर जो है 19 और 25, उनके बीच में भी 6 का ही डिफरेंस है, मतलब दोनों लेटर के बीच में डिफरेंस इक्वल चल रहा है। अगर हम यहां पर 6 और 6 का डिफरेंस लेकर के चलते हैं तो बच्चों ऑप्शन नहीं बना पाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग इस प्रकार से कर रहे थे तो आंसर नहीं बन रहा था, लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन का आंसर इन्हीं ऑप्शंस में से हम लोगों को बताना है तो उसके लिए हमें इस जीटी को लेना पड़ेगा। भाई जी और टी को ले लो, ये 7 है और ये 20 है, देखो इनके बीच में भी डिफरेंस जो है वो सेम नंबर का चल रहा है। तो फिर यहां पर जो लॉजिक तैयार हो रहा है वो लॉजिक ये तैयार हो रहा है कि इनके बीच में भी फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर के बीच में 6 का डिफरेंस था और सेकेंड लेटर के बीच में भी 6 का डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस जो था वो इक्वल था, डिफरेंस क्या जो था वो इक्वल था। और यहां पर भी फर्स्ट और फर्स्ट एंड सेकेंड और सेकेंड के बीच का जो डिफरेंस था वो इक्वल था। ये एग्जाम एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, और एनटीपीसी में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बच्चे बहुत से घबरा गए थे इस क्वेश्चन को देख करके, चकित रह गए थे बच्चों क्वेश्चन को देख करके। उन्हें ये लग रहा था कि भाई इसमें 6 और 6 को जोड़ रहे हैं तो ऑप्शंस ही नहीं बन रहा है। बहुत से बच्चे तो इस बात पर क्वेश्चन को छोड़ करके चले
ले आए थे कि उन्हें लगा कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत थे, लेकिन बाद में जब यहाँ पर आंसर सीट निकली या फिर टीचरों के द्वारा उनको बताया गया तो ये पता चला कि ए ऑप्शन इस पर हम लोग लगा सकते थे, और आंसर सीट जब निकली तो वहां पर भी ए ऑप्शन ही हम लोगों को बताया गया था। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं, 374वें क्वेश्चन पर। चलो भाई टाइमर स्टार्ट कर दिया है बच्चों, जल्दी से आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें और लाइव को शेयर मारते रहें। बच्चों लाइव को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, सभी बच्चे। संजू सिंह कह रहे हैं 16 माइनस 9 जो था वो हम लोग 13 कर सकते थे। देखिए वहां पर किया क्या गया था बच्चों, यहां पर कुछ बच्चे कह रहे हैं फिर से बता दीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट और फर्स्ट लेटर के बीच में 6 का डिफरेंस है, ये 6 और ये 12 है तो उनके बीच में 6 का डिफरेंस है, और यहां पर भी फर्स्ट और फर्स्ट के बीच में 6 का डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस क्या है, इक्वल है। आप पहले और पहले लेटर में देखो तो 6 का अंतर, दूसरे और दूसरे में भी 6 का अंतर, तो यहां पर आप 6 पर विचार मत करिए, आप इस बात को सोचो कि डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस बराबर है, तो किस ऑप्शन में डिफरेंस बराबर रहेगा। तो अगर हम जी और टी को ले लें तो 9 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस, और 20 और 22 के बीच में, भाई वी का कोड 22 और टी का कोड 20, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस रहेगा, तो यहां पर इक्वल डिफरेंस बना रहेगा, इसलिए हमने ए ऑप्शन को सही कहा था। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में 19 के लिए 367 लिखा है, तो बच्चों क्वेश्चन ये कहता है कि किसके लिए क्या लिखा जाएगा। देखो बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन दिया, सोनाली साहू, सोनी देवी, ऐसे कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बताया। भाई ए ऑप्शन इस आधार पर बनेगा कि जो ये 19 लिखा हुआ है, 19 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 361 होता है, और उसमें जब 6 जोड़ेंगे तो बच्चों 367 होता है। उसी प्रकार से 21 का जो स्क्वायर है वो 441 होता है, और उसमें अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 447 होगा। मतलब ए ऑप्शन में वही तरीका अपनाया जा रहा है जो तरीका क्वेश्चन में लग रहा था, तो उस आधार पर हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए ऑप्शन बन करके आ जाएगा। बहुत सही बच्चों, भाई लाइक एंड शेयर भी करते रहो, क्वेश्चंस के आंसर तो देते रहो आप लोग इसी प्रकार से, लेकिन आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अच्छे से करते रहो। अगले नंबर पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, भाई सेलेक्ट द डिफरेंट, इनमें से कौन सा भिन्न है, चिकनी मिट्टी, रेत, गाद या घाटी। चलिए जल्दी से बताइए विच इज ए, विच वन इज ए ऑड, इसमें से कौन भिन्न है, कौन डिफरेंस है, कौन डिफरेंट है, जल्दी से क्लियर करिए बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 375 को। 375वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिए बच्चों, आज की क्लास का ये 7th नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चलिए बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 375वां, टाइम कंप्लीट हो चुका है। बच्चों देखो यहां पर चिकनी, रेत और सिल्ट, सिल्ट मतलब होता है जिसको हम लोग कीचड़ भी कहते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कीचड़ भी कहते हैं, तो भैया ये सभी जो हैं वो जो हैं वो घाटी से बिल्कुल भिन्न है। किससे भिन्न है, घाटी से बिल्कुल भिन्न है, तो बच्चों आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का ये क्वेश्चन है बच्चों, एनटीपीसी की एसटी जो है वो 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन एसटी होगी, मतलब हमारे ऐप्स में वो एसटी होगी, तो जो भी बच्चा एसटी देना चाहता है वो बच्चा जो है पर डे एसटी होगी, पर डे 100 क्वेश्चन की एसटी आपको देने को मिलेगी, 100 क्वेश्चन की एसटी जो है वो आपको पर डे देने को मिलेगी, जिसमें से 40 क्वेश्चन जैसे कि जीएस में आने हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ में आने हैं, और 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में, सेम उसी प्रकार की एसटी होगी, और उस एसटी का चार्ज जो है वो 60 रुपये पर मंथ है, 60 रुपये पर मंथ में आप उस एसटी को दे सकते हैं।
केवल एसटी आप दे सकते हैं, पर डे आपको एक एसटी देने को मिलेगी। तो जो बच्चा एसटी देना चाहे वो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है उस पर वो हमसे संपर्क कर सकता है और उस एनटीपीसी की एसटी को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर अगला बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई? टाइमर स्टार्ट कर दिया है बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। आज की क्लास का 376वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तेजी से बच्चों। क्वेश्चन है सेलेक्ट द डिफरेंट, यहां पर भी आपको ऑड बताना है, विच वन इज ए ऑड, कौन इनमें से भिन्न है। बच्चों देखो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन इस समय आप देख रहे हैं, जल्दी से आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों। जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, आप देखो ये एक है, ए का कोड और जे का कोड 10 है, इनके बीच में 9 का अंतर है भाई, ये 5 है और ये 14 है, इनके बीच में भी 9 का अंतर है, ये 14 है, ये 23 है, बच्चों इनके बीच में भी 9 का अंतर है, ये 16 है, ये 23 है, बच्चों इनके बीच में 7 का अंतर है। तो देखो सभी में 9 का अंतर था परंतु डी ऑप्शन में 7 का अंतर है, तो बहुत बच्चों ने डी ऑप्शन उड़ा दिया है, बहुत सुंदर। जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन बताया है वो बिल्कुल सही था, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था बच्चों वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट था, डी ऑप्शन जो था वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। चलिए अगले नंबर पर भाई, चैलेंज क्वेश्चन आ चुका है भैया, चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा आज की क्लास का? आज की क्लास का फर्स्ट चैलेंज आपके सामने है, चैलेंज क्वेश्चन, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखते हैं कौन सा बच्चा हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तेजी से। 432 के लिए LFH दिया गया है तो 238 के लिए क्या होगा? चलिए बच्चों जल्दी से उड़ा दीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और देखते हैं कौन सा महारथी है आज की क्लास का। आज की क्लास के पहले चैलेंज का महारथी बच्चा कौन सा है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके क्वेश्चन के आंसर को बताएगा? तो भैया जल्दी से चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और हमारे क्वेश्चन के आंसर को बताइए तेजी से भाई, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का और हमारे इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन है चैलेंज क्वेश्चन 432 के लिए LFH है, 432 के लिए LFH है, तो बच्चों बताना है 238 के लिए क्या होगा। चलो भाई अभी तक कोई बच्चा आंसर नहीं दे पाया है, टाइमर निकल चुका है भाई, बी ऑप्शन बता रहे हैं प्रियांशी साहू, प्रियांशी साहू ने बी आंसर बताया। देखो बच्चों यहां पर 432 लिखा हुआ है, 432 लिखा हुआ है और 432 के लिए LFH लिखा हुआ है। बच्चों L का कोड 12 होता है हर बच्चा जानता है, F का कोड 6 होता है और H का कोड 8 होता है। देखिए ये 12 कैसे बना था भैया, ये 12 कैसे बना था अगर हम लोग उसकी बात करें तो देखो इन दोनों नंबरों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 12 बनेगा, उसी तरीके से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 और 3 का तो 6 बनेगा, मतलब लेटर की शुरुआत F से होगी। ठीक है, अब देखो जो ये 6 बना है ये अंतिम के 2 लेटरों का मल्टीप्लिकेशन था, 3 × 6, उसी प्रकार से आप अंतिम के 2 लेटरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 = 24 होगा और 24 नंबर पर बच्चों यहां पर एक्स होता है तो यहां पर आपको एक्स मिल जाएगा। अब देखिए ये 8 कैसे बना है, तो बच्चों इस 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा तो आपका ये 8 बन जाएगा, तो उसी प्रकार से इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ होगा तो 8 × 16 बन जाएगा जो कि P होगा, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा FXP जो कि बी ऑप्शन में था। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर जो था, इस चैलेंज क्वेश्चन का जो आंसर था वो हम लोगों का बी ऑप्शन था,
ये लॉजिक था इस क्वेश्चन का, अंधी नहीं था भाई, अंधी मत मारिए, लॉजिक के साथ आंसर दीजिए। इस चीज पर विशेष ध्यान रखिए, नहीं आता है तो उसको सीखिए, पीडीएफ भी हम बच्चों को दे रहे हैं, जो भी बच्चा पीडीएफ हमसे ले रहा है या मांग रहा है उसको हम पीडीएफ भी उनके व्हाट्सएप नंबर पर उनको दे रहे हैं। तो जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकता है और क्वेश्चंस को घर पर भी ट्राई कर सकता है। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं, इसमें से कौन सा भिन्न है ये बताना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है 170, 290, 360 और 530, इसमें से कौन सा भिन्न है? चलो भाई जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तेजी से बता दीजिए, दोबारा बता दो सर। यहां पर देखिए उस क्वेश्चन में सर दोबारा बता दीजिए। ओके चलिए देखिए उस क्वेश्चन में था क्या, उस क्वेश्चन में जैसा जैसा आप करते जा रहे हैं बस वही वही आपको अपने क्वेश्चंस के साथ करते जाना है। जैसे ये एल का कोड 12 था तो 12 के लिए शुरुआत के दो नंबरों का मल्टीप्लाई किया गया था तो 12 बना, तो यहाँ के दो मल्टीप्लाई किया गया तो शुरुआत का ये एफ बना। अब इसी प्रकार से अंतिम के दो लेटरों का मल्टीप्लाई किया गया तो ये 6 बना, तो इसी प्रकार से अंतिम के दो लेटरों का मल्टीप्लाई 8 और 3 का किया गया तो ये 24 बना। अब शुरुआत और अंतिम का मल्टीप्लाई किया गया तो ये 8 बना, वैसे शुरुआत और अंतिम का मल्टीप्लाई किया गया तो ये 16 बना, तो ये पी हो गया। ये था उस क्वेश्चन का सलूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था भाई, 170 जो यहां पर लिखा हुआ है ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 290 जो है वो 17 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 360 जो है वो 19 का स्क्वायर माइनस का 1 होता है, और ये जो 530 जो दिखा हुआ है ये 23 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है। तो बच्चों आप देखो पहले वाले में, दूसरे वाले में और अंतिम वाले में स्क्वायर के बाद एक जोड़ा जा रहा है, स्क्वायर करने के बाद एक जोड़ा जा रहा है, जबकि इसमें स्क्वायर करने के बाद एक घटाया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बन करके बच्चों आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो सी ऑप्शन था। क्लियर है बच्चों? एनटीपीसी की जिसको भी एसटी की आवश्यकता हो वो एसटी ले सकता है, एसटी का चार्ज 60 रुपए पर मंथ है, पर मंथ है, मतलब एक एसटी जो है वो 2 रुपए में आपको पड़ेगी। तो जिस बच्चे को भी एसटी लेना हो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ले बात करके ले सकता है, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस दोनों की एसटी जो है वो आपको देने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों इनको डिक्शनरी फॉर्म में सेट करना है, इस क्वेश्चन के लेटरों को डिक्शनरी फॉर्म में सेट करना है। देखिए जो क्वेश्चन है इसको डिक्शनरी फॉर्म में सेट करना है, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से टाइमर के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 378वां आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, तेजी से जल्दी बताइए कि कौन सी स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी और उसके बाद कौन सी आएगी। चलो भाई देखिए टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में शुरुआत के तीन लेटर सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी बिल्कुल सेम है, एक ही जैसे है, तो अब हम लोग चौथे नंबर से कंफर्म करेंगे। यहां पर ए दिया गया है भैया, सबसे पहले ए आ जाता है तो ये वाली स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, मतलब 1 नंबर सबसे पहले आएगा और 1 नंबर सबसे पहले ए में है और बी में है, तो सी और डी को तो हम ऐसे उड़ा देते हैं। अब देखो 1 और 2 नंबर तक तो क्लियर है क्योंकि दोनों में 1 और 2 दिया गया है, अब यहां से तीसरी स्पेलिंग को देखना पड़ेगा। तो अभी देखो हमारे पास बचा हुआ है ये चौथी नंबर वाली स्पेलिंग, तो 1 और 2 के बाद 4 आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन जो होगा वो हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ये बच्चों ध्यान रखो कि एनटीपीसी के एग्जाम में एक आपको क्वेश्चन डिक्शनरी वाला बिल्कुल आता ही है, जिसमें आपको अल्फाबेट को अरेंज करना होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटे रहना है। 30 क्वेश्चन जिसमें से एक क्वेश्चन ये आना ही है, परफेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा,
रेशमा वर्मा जी बी नहीं बच्चे, जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं वो गलत हैं, आंसर जो होगा वो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बनेगा। चलिए बच्चों 379 उड़ाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है ए सी ई एफ एच जे के एम ओ क्वेश्चन मार्क, बताना है अगला नंबर क्या आएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। और भैया लाइव को शेयर नहीं किया जा रहा है बच्चों, मजा नहीं आ रहा है क्लास में। सबसे पहली बात तो लाइव को शेयर करिए, जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। भाई लाइक एंड शेयर जब तक नहीं होगा तो भाई कैसे काम चलेगा। हमने आपसे क्या कहा कि 6 से 7 वाली की क्लास की जो फीस है, जो फीस है वो ओनली लाइक एंड शेयर है, ओनली लाइक एंड शेयर है। बट हर बच्चा लाइक एंड शेयर नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है ना। तो बच्चों लाइक एंड शेयर करो, अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बहुत ही जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, जो इस समय आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो यहां पर इस के बाद एफ आता है, जे के बाद के आता है, तो बच्चों ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो बच्चों पी पहले ऑप्शन में नहीं है और अंतिम ऑप्शन में नहीं है, आंसर या तो बी बनेगा या तो आंसर सी बनेगा। अब देखिए सी से ई जो है वो प्लस का 2 होता है, एच से जे जो है वो प्लस का 2 होता है, एम से ओ जो है वो प्लस का 2 होता है। तो इसका मतलब जो बीच में होगा उससे प्लस 2 करके अंतिम वाला अक्षर बनाया गया होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा है। तुम्हारे पास एक सी ऑप्शन था और एक डी बी ऑप्शन था। देखो यहां पर आर और टी में प्लस का 2 हो रहा है जबकि आर और यू में प्लस का 3 हो रहा है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था बिल्कुल सही सोनाली साहू बी ऑप्शन, सोनी देवी जी बी ऑप्शन, सरधीर सिंह जी बी ऑप्शन, रश्मि साहू, सुलेखा यादव, रेशमा वर्मा, बिल्कुल सही बच्चों, बी ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने 380 की तरफ। भैया 380वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। 9 का संबंध 18, फिर 18 के बाद 72, फिर 72 के बाद 576, अगला नंबर बताना है क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा। बच्चों जल्दी से बताओ भाई, भाई एक के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, एक के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इतना एफर्ट डाला जा रहा है क्लास में, इतनी मेहनत की जा रही है, आपको हर एक चीज करवाई जा रही है, आपको केवल करना क्या है, आपको करना है केवल शेयर, है ना, आपको केवल शेयर करना है। फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। आप अगर ईमानदारी का परिचय नहीं देंगे तो आपके लिए ये सही नहीं होगा, इसलिए आप भी ईमानदारी का परिचय बिल्कुल दीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है भाई, 9 का डबल 18 होता है, 18 × 4 72 होता है, तो देखो 2 का डबल 4 हुआ था, तो भैया 4 का डबल जो है वो 8 हो जाएगा, तो 72 × 8 576 होता है, और 8 का डबल 16 होता है, तो 576 × 16 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि होगा 9216, जो कि होगा 9216। डी ऑप्शन बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही बनेगा, डी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही बन करके आएगा। बिल्कुल बच्चों डी ऑप्शन जो होगा वो आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, 381वें क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पर होश जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको अच्छे लिखना है, इसकी जगह पर आपको अच्छे लिखना है, ये मिसप्रिंट है यहां पर, इसको हम पहले ही सही कर देते हैं और अप टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। हाँ सोनी देवी जी कह रही हम करते हैं शेयर, बिल्कुल जो भी बच्चा शेयर करेगा हमको मालूम चल जाएगा भाई, हमें तो सब मालूम चल जाएगा भाई। आप हमारे चैनल पर आए हैं, आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो तो हमें पता ही चलेगा ना। सोनी देवी शेयर करती हैं, आरती कुमारी शेयर करती हैं, ये बच्चे कुछ हैं जो शेयर करते हैं जो हमको मालूम चलता है यहाँ पर, और जो आते हैं केवल पढ़ करके चले जाते हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो शेयर नहीं करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है पूनम ने अच्छे से कहा कल उसने एक स्कूल ताइवाडे प्रतियोगिता में अक्षय की इकलौती बहन की बेटी बहन की जो बेटी होती है उसको भांजी कहा जाता है। बहन की जो बेटी होती है उसको भांजी मतलब स्नेहा जो है वो अक्षय की, स्नेहा जो है वो अक्षय की भांजी होगी। कौन होगी? भांजी होगी। और अक्षय जो है वो स्नेहा का मामा होगा। कौन होगा? मामा होगा। तो अक्षय मामा है और स्नेहा उसकी भांजी है। तो अक्षय स्नेहा से कैसे संबंधित है? तो बच्चों अक्षय जो है वो स्नेहा का मामा है। और बच्चों मामा को इंग्लिश में अंकल कह सकते हैं, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन बन करके आएगा। बहुत सही बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, 282वां क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और आपके लिए चैलेंज भरा क्वेश्चन है। 282वां क्वेश्चन, अनिल के लिए 216 है तो सैनी के लिए क्या होगा? चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो। आज की क्लास का लास्ट नंबर क्वेश्चन है और आपके लिए चैलेंज भरा क्वेश्चन है भाई, अनिल के लिए 216 लिखा है तो बच्चों सैनी के लिए पूछा जा रहा है क्या होगा। तो भैया आज का अंतिम चैलेंज को आप एक्सेप्ट करिए। आज हम लोगों ने टोटल आज की क्लास में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले हैं। ये आज का 15वां क्वेश्चन है जिसमें अनिल का कोड हम लोगों को दिया गया है और अनिल का कोड 216 दिया गया है। तो बच्चों हम लोगों से सैनी का कोड पूछा जा रहा है, SAINI, सैनी के कोड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई देखो, अनिल का कोड A होता है, A का, N का कोड 14 होता है, I का कोड 9 होता है और L का कोड 12 होता है। इन सभी को आप जोड़ दीजिए तो बच्चों 9 और 1 10 होगा, 10 14 24 होगा और 24 प्लस 12 36 होगा। तो बच्चों ये हो गया 36। अब देखो इस 36 के साथ करना क्या है, इस 36 के साथ करना ये है कि जो ये 6 लिखा हुआ है इसको आपको आधार बनाना है और जो ये 3 लिखा हुआ है वो इसकी घात बना देना है। और 6 की पावर 3 216 होता है, 6 की पावर 3 जो है वो 216 होता है। इसी प्रकार से सैनी का एस का कोड जो है वो 19 है, ए का कोड जो है वो बच्चों आपका है 1, आई का कोड जो है वो 9 है, एन का कोड जो है वो 14 है और आई का कोड 9 है। सबको बच्चों हम लोगों को जोड़ देना है। तो बच्चों जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका जो सम निकल करके आएगा वो 52 निकल करके आएगा। कितना आएगा? 52। देखो पहले वाले लेटर को मतलब इकाई के अंक को आधार बनाना है। देखिए यहाँ पर 6 को आधार बनाया गया था तो 2 को हम आधार बना देते हैं और जो यहाँ पर इसके यहाँ पर लिखा हुआ है दाही के स्थान पर उसको हम लोग घात बना देते हैं। तो 2 की घात 5 जो है बच्चा जानता है 32 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हम लोगों का ए ऑप्शन बन करके आएगा। तो बच्चों आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं और एक के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जिस भी बच्चे को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो उसको बस करना क्या है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है और इस क्लास का पीडीएफ ले लेना है। पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चा रीजनिंग की पेड क्लास लेना चाहता है वो बच्चा भी इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकता है। साथ ही साथ जो एनटीपीसी की एसटी स्टार्ट हो रही है 22 तारीख से, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस की, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस एसटी का चार्ज 60 रुपीज़ पर मंथ है, 60 रुपये में आप एक महीने एसटी दे सकते हैं और एक एसटी जो है हिसाब से देखा जाए तो 2 रुपये की आप लोगों को पड़ेगी। तो जो भी बच्चा इन चीज़ों को ज्वाइन करना चाहता है दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। क्लास जरूर ज्वाइन करिए, आप
एसटी जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि आगे आने वाले जो ये दो एग्जाम्स हम लोगों को नजर आ रहे हैं इनको आप क्वालिफाई कर पाओ, नहीं तो भविष्य आपका जो ऐसा आने वाला है क्योंकि वैकेंसियों की कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है दूर दूर तक, और अगर ये एग्जाम होने वाले हैं और आपने अगर इस एग्जाम में पहले से फॉर्म भर रखा है तो ये मौका जो आपको मिला है ये मौका आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक बार फिर से अपने 6 to 7 की क्लास पर और देखते हैं आप लोगों को इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।